आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सारे इंडिया परिवार के सिलसिले में। बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किए, बहुत सारे लोगों ने जुलूस भी निकाले, बहुत सारे लोगों ने जो है दिल्ली के मैदान में जो है प्रदर्शन भी किया कि उन लोगों का जो सारे इंडिया परिवार में लाखों रुपए जो पैसे फंसे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कर रखा है उनको ट्रांसफर प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल सके, यानी कि जो उनका मूलधन है और उसमें जो सालों का जो ब्याज है, जो उनको ब्याज के लिए जिन लोगों ने मूलधन को जमा किया था वो उनको मिल सके। बात ये चल रही है कि सारे इंडिया परिवार और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच में चल रहा है मतभेद। क्यों चल रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है और क्योंकि सारे इंडिया परिवार ने ये कह रखा है सेबी के ऊपर कि हमने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी को दे दिया और सेबी ने अभी तक हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा रिफंड नहीं किया। जबकि सेबी के बारे में अगर हम बात करें तो सेबी और सारा के बीच में सिलसिला है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सेबी ने बहुत 138 करोड़ के बारे में अगर हम बात करें तो सेबी ने 2018 तक जो है लोगों का पैसा वापस किया, जो लोग इन्वेस्टर्स ने जो है फाइल किया था, सेबी ने अपने एप्लीकेशन दी थी और डॉक्यूमेंट्स दिए थे और ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट जिनको दिए थे, मतलब जो उनके पास ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट थे, जिनके पास पुख्ता सबूत था, उन लोगों को सेबी ने, जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, उन्होंने वापस भी किए सारे इंडिया परिवार के पैसे, जो इन्वेस्टर्स के पैसे थे उनको वापस भी किए। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस वक्त जो जिनकी मैच्योरिटी अमाउंट पीरियड नहीं था और बाद में उनका मैच्योरिटी पीरियड हुआ और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत सालों से पैसा फंसा है, बहुत सारे लोगों का नहीं पाया, उन लोगों को वो लोग पैसा अपना वापस चाहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद।